बहुत बहुत स्वागत, आभार और धन्यवाद। आप हमारी आज पौंटा इकाई की प्रेस वार्ता हो रही है हाटी इकाई की तरफ से, और हमारे बीच में सम्मान्य अध्यक्ष श्री ओपी चौहान जी, खशकनेत समिति के कानूनी सलाहकार श्री रण सिंह चौहान जी, उपाध्यक्ष श्री दिलीप कुंडीर जी, और हमारे वरिष्ठ हाटी समिति केंद्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्री खजान सिंह नेगी जी, और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पौंटा इकाई के श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी। और आज जो वार्ता का विषय है वो आज यही है कि जो हमारा जनजातीय दर्जा मिलने वाला है उसके बारे में चर्चा की जाए, और जो हमारे बीच में कुछ हमारे अपने हाटी बंधु, हमारे जो अपने हाटी भाई है, कुछ उनको शंका है, उनको कुछ दुविधा है, तो वो इस अवेज में कल एक अपनी बैठक कर रहे हैं या खुमली कर रहे हैं या कोई अपनी चर्चा करना चाहते हैं, इसके बारे में उन्होंने रखा हुआ है, जो कि हमारे दलित समुदाय के भाई बंधु हैं, गिरिपार क्षेत्र के हैं, और उसी के बारे में आज हमने वार्ता की है कि हमारे जो समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, वो बिल्कुल निश्चित रहें हमारी तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई या कोई इस तरह का शख्सुबात नहीं है, जो अपनी संवैधानिक तरीके से जो बात वो अपने मंच पे रखना चाहते हैं ज़रूर रखें, और माननीय न्यायालय में भी अपनी बात को उन्होंने रखा है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, और हमारी तरफ से या हाटी समिति की तरफ से इसके लिए कोई बाधा या कोई शक्शुभा या कोई इस तरह की बात फैलाने की नहीं है कि हम उनको रोकें या काम करें। हम चाहते हैं कि गिरिपार क्षेत्र के हम सब लोग जो है वो बहुत शांतिप्रिय लोग हैं और हम बड़े प्यार से भाईचारे के साथ रहते हैं, और आगे भी हमारा यही वादा है कि अगर कहीं शक्शुभा या कहीं शांति या कहीं उनको अपने विचार करने की बात रखते हैं, तो हम तो पहले भी जब प्रेस वार्ता हुई थी मैंने उसमें भी आग्रह निवेदन किया था कि आप सब एक हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, पूरी कार्यकारिणी है, उनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं, और जहां कहीं आपका काम करने की बात आती है, जैसे हाटी समुदाय एक है, हम एक करके आपके जो बातें हैं, आपकी जो शक्शुभाएँ हैं, आपका जो कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें लाभ नहीं है, तो उसका भी निवारण हो सकता है, तो वो भी बैठ के ही होगा, बातचीत करके होगा। और बाकी जहाँ तक मेरी बात इसमें आती है कि हम जितने भी उन्होंने 40% या 35% को बात करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं लगता है कि सभी समुदाय के लोग इसके विरोध में हैं। विशेष तौर पे मैं अगर बात कहूँ तो इसमें बिल्कुल भी कोई 100% दलित समुदाय ऐसा नहीं है कि वो इससे बाहर हो। हम जब इसको हमने पहले किया था तो हम सभी जितनी भी 14 जातियाँ हमारी है, हम उसमें एक ही जाति के रजिस्टर्ड हुए हैं, जो अभी 13 अप्रैल 2022 को हमारी जातियाँ रजिस्टर्ड हुई है RGI में, उसमें हम सब रजिस्टर्ड हैं और हम सब जाति के लोग उसमें थे और आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो दुविधा कहाँ से आ गई, क्या कमी इसमें आती है, ये हम मिल बैठ के बात कर सकते हैं। इसके साथ मैं अब निवेदन करना चाहूँगा हमारे सम्मानीय अध्यक्ष ओपी चौहान जी के, वो आपका संबोधन भी करें और अपनी बात भी कहें। धन्यवाद सभी प्रेस के मेरे बंधुओं का, स्वागत अभिनंदन। हाटी समुदाय का बहुत पुराना जो आंदोलन समझिए आप, बहुत पुरानी जो मांग समझिए, वो अब अपने अंतिम दौर में, और हम नहीं चाहते कि हाटी बंधुओं में से हमारे ही लोग, कुछ लोग, चुनिंदा लोग, मैं कहूँगा सारे नहीं हैं, चुनिंदा लोग किसी विशेष राजनीतिक दल के बहकावे में आकर अपने आप को बुराई लें। मैं आज आपके समक्ष ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मुद्दा हमारे हरिजन भाइयों के भी हक में है, हर वर्ग के हक में है,
चाहे वो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, कहते हैं भाट भाई हैं, दूसरी जाति के लोग हैं, इसमें किसी भी किस्म की किसी को दुविधा होने की, दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं। हम खुले मंच से कहते हैं, आज भी कहते हैं, पहले भी कहते आए हैं, हमने शुरू किया था ये, बहुत पहले से शुरू किया है, 67 के बाद जब बाबर जौनसार को ये दर्जा मिला, उसी समय से हमारे जो बीच में कुछ हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, हम लोग भी साथ रहे हैं इनके, हमने उसी समय से ये शुरू किया था। और तब से लेकर आज तक, जो हाल ही में आपने देखा होगा रनाट में आप सभी लोगों के सामने बहुत बड़ी महाकुमली हुई थी, उसके बाद शिलाई में महाकुमली हुई थी, उसमें हमने सारे राजनीतिक दलों को न्योता दे करके बुलाया था। उस टाइम आपसे बात छिपी नहीं है कि हर राजनीतिक दल के नेताओं ने बड़े पुरजोर शब्दों में कहा था कि जहां हाटियों का खून, हाटियों का जहां पसीना बहेगा हम खून बहा देंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज वही लोग हमारे कुछ निम्न समाज के लोग, हरिजन भाइयों को, कुछ लोग से अपनी बात नहीं कही है। हमेशा हमने अपनी बात जो पुरजोर से कहने वाली है, जिसके लिए बल्कि हमें हमारे साथ माँ और क्या कहते हैं मौसी का बर्ताव जो किया गया है हमारे साथ इतने सालों तक, एक हमारा छोटा भाई जो बाबर जौनसार में रहता है उसे जनजातीय जाति का दर्जा 1967 में मिल गया, लेकिन हमारे साथ ये गलत व्यवहार हुआ, जबकि वो हमारा छोटा भाई है। मुझे ऐसा लगता है 1875 में या उसके आसपास वो हमारे से अलग हुआ है। आपको याद है कि जिला सिरमौर के राजा की जो राजधानी होती थी कालसी में भी होती थी, 6 महीने के लिए वहां जाते थे जब ये बाबर जौनसार का इलाका हमारे साथ था। तो इसकी वजूहत यही थी कि ये बाबर जौनसार का इलाका हमारा एक हिस्सा था, लेकिन इनको ये वो मिल गया, दर्जा मिल गया जनजाति क्षेत्र का। हम लोग अपनी मांग मनवाते रहे, हम लोग चिल्लाते रहे रादर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक पहुंचना होते हुए और राजनीतिक दलों का, क्योंकि इसमें वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, हम आज तक इस मांग को पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं और उठाते भी रहेंगे। मैं आपको बताऊं, रनाट में हमारी बहुत बड़ी मां घुमली हुई, शिलाई में हुई, हमारी कमरू में एक बहुत बड़ी घुमली हुई, अभी आप टावरू में सभी लोग गए थे, मेरी पंचायत में ग्राम टोरू डांडाज में एक बहुत बड़ी मां घुमली हुई थी। हमने सबको बुलाया था, सब राजनीतिक दलों को बुलाया था, लेकिन सारे नदारद रहे। मैं शुक्रगुजार हूं बलदेव जी का और हमारे मंत्री जी का, इन दोनों ने वहां आकर के हम लोगों की हौसला फसाई की और पुरजोर क्या कहते हैं रूप से उन्होंने कहा कि हम हाटियों के साथ हैं। और मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि मंशा इस जो कल प्रोग्राम हो रहा है शिलाई में रेस्ट हाउस में, कुछ हमारे जो भटके हुए भाई हैं, हमारे हाटी हैं, हमसे दूर पार के नहीं है, जो वो भटकाव का काम कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात ना हो जाए कि वो आपस में ही मिलमिला करके कोई इस किस्म की चाल चल करके कोई वहां कोई गलत काम करें और कोई अफवाह ये फैले कि हाटी भाइयों ने ये ऐसा काम किया है। हम उनको कह देना चाहते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे ही हाटियों में से हैं। हम उनको कह देना चाहते हैं कि आप अदालत में गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अदालत पर विश्वास नहीं है। जब आप अदालत में चले गए, अदालत में ये मांग लंबित है, अदालत का हमको भी भरोसा है, आपको भी भरोसा होना चाहिए कि वहां से न्याय होगा, तो ये सारी खुमलियां करने की और कोई जुलूस निकालने की और नारेबाजी करने की कोई, मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, इसके पीछे कोई खास बात छिपी है। और वो अगर कल इस तरह से कोई बात होती है तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह कर देना चाहता हूं कि उसके लिए हाटी समुदाय किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा। ये जो चंद लोग हैं जो हाटियों की मुहिम को रोकना चाहते हैं, वही लोग इस बात के जिम्मेदार होंगे। मैं आज बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं,
हाथियों की एकता कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हमको अकेला हमको तोड़ नहीं सकता। हम एक हैं, एक रहेंगे और एक होते हुए इस एकता को दिखाते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। और हमारा जो हमारी जो मांग है इस क्षेत्र को, गिरपार क्षेत्र को जनजातीय घोषित होने में दुनिया की कोई भी ताकत अब रोक नहीं सकती। अब ये होने वाला है, चंद दिनों की बात है, चंद महीने भी नहीं लगेंगे मुझे ऐसा लगता है। और ये आपको ये तोहफा मिल जाएगा। मैं पत्रकार बंधुओं का एक बार फिर से अपनी तरफ से, अपने यूनिट की तरफ से, सारी हाटी समुदाय की तरफ से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपने पुरजोर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से हमारी बात उठाई है और सच्चाई का साथ दिया है। एक बार फिर आपका आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।